हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संपदा। आज हम लोग हल्दी फेस वॉश बनाने जा रहे हैं। हल्दी की वजह से स्किन ग्लो करना चालू होती है, वैसे ही इस फेस वॉश से डार्क सर्कल्स और पिंपल्स निकल जाते हैं। पिंपल्स के पुराने मार्क्स अगर रहेंगे तो वो भी इससे निकल जाते हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पहले फेस वॉश बेस लिया है। ये 1 लीटर फेस वॉश बेस है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें 1/4 कप मैं एलोवेरा जेल मिला रही हूँ। ये फ्रेश एलोवेरा जेल है। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है तो आप पतंजलि का एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एक बार एलोवेरा जेल मिक्स हो जाए तो हम इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे एलोवेरा जेल अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है। एक बार ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम लोग 1 टेबलस्पून और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी को पूरी तरह अच्छे से मिक्स करके लेने के बाद हम लोग इसमें बादाम का तेल मिला रहे हैं। बादाम तेल आपको मेडिकल में आसानी से मिल जाएगा। करीबन 10 बूंदे हमें बादाम तेल की मिलानी है। आप चाहे तो 1 टीस्पून तक ऐड कर सकते हो। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें विटामिन ई की कैप्सूल ऐड कर रहे हैं। अभी हमें करीबन 2-3 मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है। हमारा फेस वॉश तैयार हो गया है। ये वीडियो आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। वैसे ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।